अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम फहीम, कुकिंग विद शबनम फहीम के चैनल पे आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मजेदार मेथी मटर मलाई, ये जो बहुत ही मजेदार होती है। जो बच्चे मेथी नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही मजेदार सब्जी है और बहुत ही जबरदस्त होती है। आप एक बार बनाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। चलिए तो देखते हैं किस तरह बनती है। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल, फ्राई पैन में अपने थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाला है, ऐसे मैं हीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने गरम कर लिया है, ऑयल गरम हो गया है। तो इसमें मैं डालती हूँ ये अपनी प्याज, हमें पकाना नहीं है प्याज को, बस ऐसे ही 2 मिनट इससे तो 1-2 मिनट ऐसे ही घुमा लेना है। बस अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी एक हरी मिर्च है 2 टुकड़े कर लिए हैं मैंने, थोड़ा सा लहसुन है और थोड़ी सी अदरक है मेरे पास, ये अदरक लहसुन और कुछ काजू है ये भी डाल दूंगी इसमें, और एक ये तेज पत्ता है इसे भी डाल देती हूँ, और ये कुछ मसाले हैं मेरे पास जिसमें से एक आधी चम्मच है धनिया, आधी चम्मच है लाल मिर्च, आधी चम्मच है मेरे पास जीरा पाउडर भुना हुआ, और आधी चम्मच है मेरे पास नमक, इसे भी डाल देती हूँ मैं इसी में, ठीक है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी मैं इसमें मिक्स गरम मसाला है ये भी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। टमाटर के गलने तक इसे आप पूरा कुक कर लें, अच्छे से पका लें आप इसे। थोड़ी देर भून लें उसके बाद इसे ढक के पकाएंगे, जब तक टमाटर गल जाए और प्याज भी मेरे गल जाए तब तक मैं इसे पकाऊंगी, ठीक है। जैसे बटर चिकन की ग्रेवी बनती है ना, बिल्कुल कुछ उसी तरह का इसका तरीका है, उसी तरह की ग्रेवी बननी है ये वाली। ठीक है, मैं इसे ढक के बनाती हूँ, आप थोड़ी सिंपल कर देती हूँ उसके बाद इसे ढक के बनाती हूँ। देखिए मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मेरे पास मटर मुझे चाहिए, तो ये एक बॉल भर के मेरे पास मटर है, वो मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के 1 गिलास पानी इसमें डाल लें और फिर इसे आप बॉईल करिए दूसरे चूल्हे पे। तो देखिए टमाटर ऐसे हो गए मैश हो रहे हैं, आराम से मैश हो रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ और इसको पीसती हूँ, ठीक है। पीसने से पहले मुझे इसमें से ये निकाल देने, ये तेज पत्ता आप निकाल दीजिए इसमें से, ये नहीं पिसेगा, और ये दालचीनी भी निकाल देती हूँ मैं इसमें से, ठीक है, बाकी तो सब पिसेगा, ठीक है। पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये मेथी है, मैंने अच्छे से इसे धो लिया और बारीक बारीक काट लिया, बहुत अच्छे से धो लीजिएगा 2-3 पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है तो आप इसे बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बारीक बारीक काटिएगा। तो ये मैंने वही फ्राई पैन ले लिया है जिसमें मैंने अभी प्याज टमाटर का वो बनाया था मसाला, तो इसमें इसका फ्लेवर है, तो मैं इसी में इसको डाल के भूनूंगी, ये भूननी है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप इसको भून लीजिएगा, पानी ना हो मेथी में, आप ऐसे डालिएगा बिल्कुल सुखा के, ड्राई ड्राई लीजिएगा, पानी ना हो बस इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। इसको भून लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने, नॉन स्टिक फ्राई पैन है ना इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला, अगर आप डालें तो बस एक हल्का सा चम्मच, आधी चम्मच ऑयल डाल के इसमें उससे भून सकते हैं आप इसे। मेथी मटर मलाई बहुत बहुत ही मजे की बनती है, बहुत अच्छी है और इसमें कोई कड़वाहट भी नहीं होती है, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं इसे भूनती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये भून चुकी है,
इसमें देखिए पानी की हल्का फुल्का जो इसमें पानी था पत्तों में लगा हुआ, अब वो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ड्राई है ये, देखिए कितने आराम से। मेरे पास एक गड्डी थी मेथी की, जिसमें से बस बहुत थोड़ी सी मैंने कुछ बचाई हुई है, बस थोड़ी सी मोटी डंडियों की साइड की, बाकी ये पूरी गड्डी है। और ये आधा किलो मटर है मेरे पास, ठीक है देखिए बस ये हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के इसको ऑयल को मैंने इस तरह भून लिया था, फिर उसमें ये अपना मसाला, ये वाला भी मसाला डाल दिया जो मैंने टमाटर का आपको दिखाया था, किसी वजह से मेरा कैमरा चल नहीं पाया तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी। ऑयल डाल के मैंने अदरक लहसुन डाला और उसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी बस, फिर उसके बाद मैंने ये टमाटर प्याज का मसाला डाल दिया, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल लेती हूँ, वैसे तो कच्चापन नहीं है, भुना हुआ ही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा भून लेती हूँ और इसे उसके बाद दिखाती हूँ आपको। साथ में ही मैं इसके मटर भी डाल दूंगी, जो मैंने मटर रखे थे बॉइल करके, वो भी मैं इसमें डाल लेती हूँ, साथ में पकते रहेंगे थोड़े और ये मटर, और ये मेथी जो मैंने आपको दिखाई थी ये भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ मेथी। नमक मिर्च आप अपना चेक कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। दो मिनट मैं इसे स्लो आग पे बनाऊंगी ढक के, इसके बाद दिखाती हूँ, खोल के देख लेते हैं इस तरह के ये। और इसमें अब मैं एक चम्मच शुगर और डाल दूंगी, अगर आपको स्वीट फ्लेवर अच्छा लगता है, स्वीट टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डाल दीजिए, और ना आप स्किप कीजिए, हमारे तो स्वीट अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा खट्टा है, तो बहुत अच्छा लगता है, आप डालिएगा बहुत मजे का लगेगा आपको। तो एक चम्मच शुगर डालिएगा आप इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अच्छे टेस्ट के लिए आप डालिएगा इसमें। और मैं इसमें एक चम्मच ये मलाई डाल देती हूँ, मेरे पास थिक सी मलाई है, ये भी डाल देती हूँ मैं एक चम्मच इसमें। तो देखिए ये अभी ये इतना थिक है ना, बहुत ज्यादा थिक है, अभी थोड़ा सा पकाना भी है मुझे, तो मैं इसमें ये करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, और दूध आप डायरेक्ट मत डालिएगा क्योंकि सब्जी में नमक है ना, तो उसकी वजह से दूध फट सकता है, तो पहले इसमें थोड़ा सा दूध के अंदर ही थोड़ी ये सब्जी ऐसे डालेंगे एक दो चम्मच, ठीक है ऐसे करके, और उसके बाद हम इसे दूध में मिला देंगे। ये हो गई पतली, दूध के साथ तो बहुत मजे की हो जाती है, पानी मत डालिएगा, पानी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, पानी के साथ दूध डाल दीजिएगा, और अगर डालना ही चाहते हैं पानी तो डाल दीजिएगा, आपकी मर्जी, इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसे पकने रखेंगे, थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऊपर से सूखी जो आती है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है, तो वो और भी आप डाल दें, डालें तो स्किप भी करें, वैसे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फिर मैं इसे ढक के बनाती हूँ थोड़ा सा, जब तक ये ऑयल सरफेस पे ना आ जाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेथी मटर मलाई, बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसमें, बहुत ही मजे की बनी हुई है ये, देखिए इतनी अच्छी क्रीमी है ना, एकदम क्रीमी बनी हुई है। आपके बच्चे जो मेथी नहीं खाते वो भी मांग मांग के बनवाएंगे कि मम्मा वही बनाइए जो आपने उस दिन बनाई थी, इतनी मजे की होती है, और जिसको भी खिलाएंगी वो बार बार डिमांड करेगा कि आप वही वाली मेथी मलाई बनाएं, बहुत ही मजे की मेथी मलाई मटर होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया। तो देखिए तैयार है मेथी मटर मलाई, बहुत ही मजे की बनती है, बहुत ही टेस्टी,
आप बच्चों के लिए बनाएंगे, बड़ों के लिए बनाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। मेहमानों के लिए बनाएंगे, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे कि मम्मा फिर से बनाइए वही मेथी मटर मलाई, इतनी टेस्टी होती है। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा मेथी मटर मलाई बना के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।